दिल्ली प्रदूषण को नहीं तेजुची राजनीति बढ़ुची लोकों चिंता प्रदूषण हॉटस्पॉट बनी आनंद विहार आज भी दिल्ली बहु स्थान रे एक्यूआई 300 अतिक्रम कर दिल्ली परिवेश मंत्री आनंद विहार गस्त कर स्थिति परखिंट सेपटे प्रदूषण नियंत्रण पर 325 मॉब गन लगवा सहित 99 टीम गठन होता मुख्यमंत्री अतीश मार्लेना आज नूआदिल्ली नोएडा गुरुग्राम फरीदाबाद गाजियाबाद में एक्यूआई 300 ऊपर रही स्थिति संगीन होथुपारु दिल्ली सरकार खूब शीघ्र GRAP2 कटकणा लागू करबा को योजना करछुंते। बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की टाइम्स हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही है। दिल्ली में 325 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। यहाँ की सारी बसें के एग्जिट का रास्ता जो है उस जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके बदल से ही जा रहा है, और चौथा जो है चारों तरफ यहाँ पर कंजेशन जो है मेट्रो है रेलवे स्टेशन है बस अड्डा है कंजेशन से ये मुख्य चार देखे जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए। और मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन है कि जिस तरह से घर हम लोग वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं उसी तरह से सड़क के उस पार भी जो कौशाम्बी का बस अड्डा है वहाँ पे भी अगर एफर्ट हो तो ज्वाइंट एफर्ट से मुझे लगता है कि यहाँ समाधान मिलेगा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।